तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। और ये जो ड्रेस है ये मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड किया था, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूं। कई सारे लोगों ने मुझे इसकी रिक्वेस्ट की थी, तो इसकी जो धोती स्कर्ट की जो वीडियो है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, और जो ब्लाउज़ है उसका जो है वो मैंने पिछली वीडियो ही आप लोगों को बता दिया है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग हम शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए देखिए, ये मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है, और आप इसको जॉर्जेट फैब्रिक में भी बना सकते हैं, कोई भी फैब्रिक में आप इसको बना सकते हैं। और ये फैब्रिक जो है वो मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है, और इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है, 60 इंचेस इसकी फैब्रिक की विड्थ है। और आप इसको कम विड्थ में बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को इसको ज्वाइन करना पड़ेगा फैब्रिक को, ठीक है? ज्वाइन लगेगा इसमें, और इसमें भी ज्वाइन लगेगा, ओके। तो आप देखिए, सबसे पहले हम इसको खोल देते हैं, और इसको हमने फोल्ड कैसे करना है ये मैं अच्छे से आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए, इसको फोल्ड करने के लिए हम यहाँ से दोनों किनारी पकड़ेंगे, ये देखिए इस तरह से। अगर आप लोगों ने अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग देखी है तो बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको कट करना है, ठीक है? तो देखिए, इस तरह से हमने ट्रायंगल में फोल्ड करना है इसको, जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए कट करते हैं, ठीक है? तो अब देखिए, यहाँ से ये 4 लेयर है, ठीक है? ये ओपन साइड है हमारा, जो मेरी साइड है वो फोल्ड साइड है। तो मैं यहाँ से पिन लगा रही हूँ अभी, और यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से हम सबसे पहले अपना शोल्डर लगाएंगे। आपका जितना भी शोल्डर लगा है उसका हाफ करके यहाँ पर लगा दीजिएगा। मैंने 7 इंच पे ये लगाया है शोल्डर, तो हम सबसे पहले यहाँ से शोल्डर लगा दिया है मैंने। तो मैं इसको कट कर देती हूँ अभी शोल्डर को, और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? तो ये शोल्डर मैंने कट कर दिया अभी, और यहाँ से देखिए, अभी हमने अपना फुल लेंथ जो है, जितना भी आपको लेंथ रखनी हो वो आप इसमें रख सकते हैं। मैंने इसको 52 इंचेस मैंने इसकी लेंथ रखी है, ये देखिए 52 इंचेस पे मैंने इसको पूरा सर्कल बनाना है, ठीक है? तो अगर कम विड्थ वाले में आप लोग बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा जॉइन लगेगा इसमें, तो डोंट वरी, आप किसी में भी इसको बना सकते हैं, बस इसमें ज्वाइन लगेगा। तो ये देखिए, मैंने सर्कल इस तरह से, जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैंने इसमें ये लगा दिया है। जो बिगनर्स है वो अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग ज़रूर देखिए, आप लोगों को ये ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो अब इसको मैंने कट कर दिया है, देखिए। तो अब देखिए, यहाँ से मेरा थोड़ा सा फैब्रिक जो है वो कम हो रहा है, तो मैं इसमें यहाँ से इस वाली फैब्रिक को रखते हुए इसमें ये ज्वाइन लगा दूँगी, ठीक है? इसमें ये जॉइन लगाकर मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगी, ठीक है? तो ये देखिए, ये हमारा जॉइन यहाँ से लग जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से ये सर्कल मैंने अभी कट कर लिया है। ये 2 पीस है, जैसे मैंने 4 लेयर आप लोगों को बता दिया था। तो अब ये जो हमने ये कट किए हैं, इसको हमने यहाँ से जॉइन कर देना है। ये दोनों पीस को हमने दोनों पीस के साथ ये फिनिश कर लेना है, ठीक है? तो अब देखिए, ये जॉइन हो चुके हैं अभी। और अभी देखिए, अभी हमने क्या करना है, इसको दोनों को अलग कर देना है। ये 2 पीस है हमारे, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए, 2 पीस हो गए, देखिए अच्छे से आप लोग, 2 पीस है। ये बैक हम साइड में रख देते हैं, एक पीस हम ले लेते हैं, ये फ्रंट है हमारा। तो ये फ्रंट वाले में देखिए, अभी हमने क्या करना है यहाँ से, तो ये देखिए, ये मैं इस तरह से एक शेप दे रही हूँ, जैसे हम वी शेप देते हैं, बिल्कुल लंबा सा वी शेप मैंने रखा है, जैसे हम वी शेप लगाते हैं नेक के लिए, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है? और ये कितना लेना है ये मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, ओके? तो एक मैं ऐसे ही इसमें शेप दे रही हूँ, और आप इसमें, तो देखिए मैं यहाँ से शेप जो है ये वाला, ये देखिए ये वाला जो है ये 2.5 इंच पे रखा है, 2.5 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है, ठीक है? और नीचे जो है वो मैंने 1 इंच का ही लिया है, ये देखिए इस तरह से 1 इंच हमने इसको यहाँ से कट कर देना है, ठीक है? तो ये देखिए, इस तरह से मैंने कट कर दिया, ये ओपन हो गया अभी हमारा फ्रंट से, ये हमारा ओपन हो गया, सेंटर से हमारा ये ओपन हो चुका है, ओके? तो ये हमारा फ्रंट पीस है, सेंटर से हमने इसको बीच में से कट कर दिया है। ये 2 पीस है, देखिए ये हमारे फ्रंट के जो है वो 2 पीस है, यहाँ से हमारा फ्रंट रहेगा, ये सेंटर रहेगा हमारा, ठीक है? जो मैंने निशान लगाया है वो सेंटर है। अब ये जो बैक है इसको लेंगे हम, और इसके दोनों जो है वो शोल्डर हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है? ये देखिए, उल्टा रखेंगे हम इसको यहाँ से, ये देखिए ये दोनों शोल्डर हम इसमें इस तरह से जोड़ देंगे, ये देखिए ये शोल्डर हमने इसको जोड़ देना है, ये शोल्डर हमारे जुड़ चुके हैं, ठीक है? तो ये फ्रंट है हमारा, ये सेंटर है हमारा, और ये जो बाकी का जो मैं पकड़ रही हूँ ये हमारा साइड है,
यहाँ से हमारी साइड की सिलाई लगेगी और स्लीव भी हमने यहीं से लगाना है। तो ये देखिए मैंने फोल्ड कर दिया। अभी अच्छे से देखिए आप लोग, इसको समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अगर इसको जॉर्जेट फैब्रिक में आप लोग बनाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत सा बनता है गाइस, ठीक है। ये तो ये जो मेरा ऑर्गेंजा है थोड़ा सा ये कड़क फैब्रिक है, ठीक है। और अब देखिए मैं यहाँ से स्लीव का निशान लगाना बताऊँगी आप लोगों को। ये देखिए ये हमारा बैक है, खोल कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए फोल्ड है ये हमारा, और यहाँ से ये फुली ओपन है, जहाँ से हम अपना स्लीव लगा रहे हैं वहाँ से फुली ओपन है, ठीक है। आप देखिए यहाँ से मैं 2.5 इंच का शोल्डर डाउन कर रही हूँ। अगर आप लोग इसको 2 इंच पे रखना चाहते हैं तो भी इसमें रख सकते हैं। अब ये जो है यहाँ से हम अपना शोल्डर जो है इसको यहाँ से डाउन कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया। अभी ये देखिए यहाँ से मैं इसको अच्छे से पक्का करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये शोल्डर डाउन है हमारा, इसको कम भी कर सकते हैं आप लोग, ओके। तो आप देखिए ये जो निशान लगाए हैं, यहाँ से हम अपना स्लीव का निशान लगाएंगे। तो मैं इसमें रख रही हूँ 13 इंच पे, इससे ज़्यादा मत रखिएगा, एल्बो तक ही रखिएगा इसका ओपनिंग, इससे ज़्यादा मत रखिएगा गाइस, ओके। तो अब यहाँ से हम अपना स्लीव का जो बॉटम है वो लगाएंगे, यहाँ से हमारी स्लीव ओपनिंग रहेगी। ये 6 इंच पे लगाया है मैंने। अगर आप लोग इसको हैवी साइज बनाना चाहते हैं तो इसको 7 इंच भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं, यहाँ से हल्का सा मैं इसको राउंड शेप दे दूँगी इस तरह से। ये देखिए ये जो निशान मैं लगा रही हूँ इसी पे हमने इसमें सिलाई लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से मैं हल्का सा इसको गोलाई में कर दूँगी, या स्ट्रेट में सीधा सीधा नहीं सिलूँगी मैं इसको, थोड़ा सा यहाँ से राउंड कर दूँगी। बस इसी तरह से हमने इसको सिलना है, ज़्यादा इसमें राउंड मत कीजिएगा, शोल्डर पर ये ऐसा उठने लगेगा, ठीक है। तो देखिए अभी ये जो है हमारा इस तरह से सिल जाएगा, ठीक है, जैसे हमने निशान लगाए हैं। अब ये यहाँ से नीचे तक जो है वो सिल जाएगा, और ये जो बीच में है वो ओपन ही रहेगा। तो मैं यहाँ से पिन लगाकर इसको कट कर दूंगी अभी। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको कॉपी करना है, पीछे भी बैक पीस में भी, क्योंकि एक ही सिलाई हमने इसमें लगाना है। तो ये देखिए यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगी। तो ये मैंने अभी कट कर दिया है। तो जैसे हमने इसमें निशान लगाए हैं बिल्कुल यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ रुका देंगे, और उसके बाद जो है वो बीच में जो है हमने इसको ओपन ही रखना है, ठीक है। ये देखिए खोलकर मैंने आप लोगों को बता दिया है अच्छे से। यहाँ से हम इसको सिलना शुरू करेंगे, और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, यहाँ से हम इसको सिलना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से मैंने इसको सिल दिया अभी, और यहाँ तक मैंने रुका दिया है। देखिए ये देखिए ये बीच में से जो है ये ओपन है, यहाँ से हमारा जो है वो ओपन रहेगा, हमारी स्लीव यहाँ से खुलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से फोल्ड करके सिल देंगे, और नीचे से देखिए ये पूरा मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा ये रेडी हो चुका है। ये देखिए गाइज, अब देखिए मैं फ्रंट से जो है इसको क्या करूँगी। ये देखिए यहाँ से, अगर आप लोग इसको हाई लो का शेप नहीं देना चाहते हैं तो आप इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं, बट मैं इसमें फ्रंट से जो है वो थोड़ा सा हाई लो का शेप दूंगी। यहाँ से देखिए मैंने 10 इंचेस इसको ऊपर की तरफ निशान लगा दिया है, ये देखिए, क्योंकि मैं इसको हाई लो का शेप दे रही हूँ इसीलिए। अगर नहीं देना चाहते आप लोग तो इसको डायरेक्टली सिल सकते हैं नीचे का फोल्ड करते हुए। ये देखिए मैं इस तरह से इसको शेप देते हुए इसमें ये कट कर दूंगी, ठीक है। और इसी निशान को मैं ये देखिए बैक पीस में मिला दूंगी शेप देते हुए गोलाई में, ठीक है। तो ये हमारा कट चुका है देखिए, और ये मैंने 10 इंचेस रखा है इसका शेप। तो अब ये हमारा हो गया है। अब हमने इसमें कुछ भी कट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसको फिनिश कर देना है अभी। और आप अगर इसमें लेस नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्टली फोल्ड करके इसको सिल दीजिएगा, बट मैं इसमें ये लेस इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए ये इस तरह की मैंने लेस ली है, आप कोई भी लेस इसमें ले सकते हैं। अब इस लेस को मैं इस तरह से पूरे में लगाते हुए इसको फिनिश करूँगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से पीछे से भी लगाऊँगी मैं, पूरा नेक में भी इसको पूरा मैं पूरा लगा दूँगी, ठीक है। ये यहाँ से मैं शुरू करूँगी फ्रंट से हमारे, क्योंकि हमारा ये फ्रंट जो है वो ओपन है सेंटर से। ये देखिए मैं यहाँ से इसको सिलना शुरू करूँगी, और पूरा इस तरह से
लगाते हुए नीचे तक फिनिश करूँगी। ये देखिए पीछे की नेक में भी हमने इसमें लगाना है, बैक वाले नेक में, ठीक है, ये देखिए यहाँ तक। ओके गाइस, तो चलिए ये लेस मैं अभी लगा दूँगी। ये देखिए फ्रंट से हमने इसको यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ ही हमने इसको फोल्ड करना है, उसके बाद इस लेस को इसके ऊपर रख देंगे तो हमारी जो सिलाई है वो इसके नीचे ही रह जाएगी, और नीचे का जो है इस तरह से हम डबल फोल्ड करते हुए इसको यहाँ से सिल देंगे, ठीक है। तो चलिए ये अभी मैं रेडी कर देती हूँ और आप लोगों को इसको खोल कर अच्छे से बता देती हूँ। तो ये बहुत सारा घेर इसमें निकल चुका है, देखिए ये रेडी हो चुका है। तो गाइज आप जो इसका जो स्कर्ट का जो वीडियो है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए, और जो ब्लाउज इसमें है प्रिंसेस ब्लाउज वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, और उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप एंड स्क्रीन पर भी देख सकते हैं या फिर आप इस आई बटन पर क्लिक करके भी ब्लाउज का जो वीडियो है वो देख सकते हैं। तो गाइज वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोज़ को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कीजिए, बेल आपको नोटिफाई हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो अगर मैं अपलोड करूँगी तो नोटिफाई आप लोगों को हो जाएगा, तो ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। ओके, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस नहीं मिलती है तो चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए और फिर से सब्सक्राइब कीजिए तो आप लोगों को नोटिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, बाय, अल्लाह हाफिज़।